चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज होने वाला है फेस्टिव सीजन पार्ट टू। पार्ट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक से स्किन केयर प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं। तो आज उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं यूज करके आपको ये बताऊंगी कि दिवाली वाले दिन या फिर करवा चौथ वाले दिन आप किस तरीके से इन बेसिक प्रोडक्ट से ही अपने स्किन को अच्छे से पैम्पर कर सकते हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर कर दूं गिव अवे से रिलेटेड। मैं बहुत जल्दी स्किन केयर से ही रिलेटेड न्यू गिव अवे लाने वाली हूं, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था, बहुत टाइम इन द सेंस हो गए होंगे, मतलब 15-20 दिन। तो मुझे काफी कॉमेंट आते हैं कि दी कब लाओगे अपना नेक्स्ट गिव अवे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ के गिव अवे तो मैं लेकर ही आऊंगी, लेकिन मैं भी तो देखूं कि बिना गिव अवे के कितने मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे वीडियो देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। काफी सारे मेरे ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो कि अभी मेरे चैनल पे कोई गिव अवे नहीं चल रहा, फिर भी मेरी वीडियोस प्रॉपरली वॉच करते हैं। अब पढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्किन को अच्छे से, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, जो कि मैं एक वाइप से पहले अपने फेस को साफ करूंगी, फिर मैं वो प्रोडक्ट्स यूज करूंगी जो मैंने पार्ट वन में शो किए हैं। अच्छा, आज जो मैं आपको स्किन केयर करके दिखा रही हूँ ना, ये आप वीक में एक बार तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि लाइक कोई भी त्यौहार होता है, जैसे दिवाली है, करवा चौथ है, तो हम उसी दिन तो पार्लर नहीं जाते हैं ना, हम पार्लर उससे कुछ दिन पहले जाते हैं, तब जाके हमारे फेस पे यू नो ग्लो वगैरह आता है। दिवाली होती है या जिस दिन करवा चौथ होगा, उस दिन सुबह सुबह भी तो थोड़ा बहुत स्किन केयर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बस ये वाले जो मैं आज आपको 2-3 स्टेप बताने वाली हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, ये आप उस दिन भी फॉलो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन से, जो कि है अपने फेस को क्लीन करना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास स्टीमर है तो प्लीज आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए स्टीम ले लीजिए अपने फेस पे, जिससे कि थोड़े से आपके पोर्स हैं जो कि खुल जाएंगे, तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। मैं यहाँ स्टीम का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्टीमर खराब हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली बढ़ूंगी फेस वॉश के साथ में। अगर आप लोगों के पास में ममाज अर्थ का फेस वॉश नहीं है, आप कोई और यूज करते हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से सूट करता है, तो आप वो वाला यूज कीजिए। फेस को मैंने अच्छे से गीला कर लिया है, अब हम लगाएंगे अपना फेस वॉश और इसको क्लीन कर लेंगे, फेस को क्लीन कर लेंगे। अब अपने फेस को आप धो लीजिए। मैं अभी बाथरूम में नहीं जा सकती, तो मैं अपने इस क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा इसे क्या बोलते हैं, तो मैं इससे साफ कर ले रही हूँ। बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर टू की तरफ, जिसमें मैं ये स्क्रब यूज करने वाली हूँ। ये वाला जो स्क्रब है गुड वाइब्स का है, कॉफी फेस स्क्रब है ये। तो चलो इसको भी यूज करके दिखाती हूँ। और स्क्रब लगाने से पहले भी आपको अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब स्क्रब को आपको एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अपने फेस को स्क्रब कर लेना है अच्छे से, बहुत हल्के हाथों से करना है, ताकि जितनी भी आपकी डेड स्किन हो वो सब निकल जाए। अब अच्छे से अपने फेस को आप धो लीजिए। मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क। अगर आपके पास में इस तरीके का फेस मास्क नहीं है, मतलब इस तरीके का,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कोई शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही यूज करके दिखाऊंगी, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं आज ही आपको पूरा स्किन केयर दिखा रही हूँ, ये सभी स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं। बस सेंसिटिव स्किन वाले थोड़ा सा स्क्रब में ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो उसके जो बीट्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट वाले यूज करें। तो फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया है, अब इसको सिर्फ 8 to 10 minutes आपको अपने फेस पे रखना है, उसके बाद में क्लीन कर देना है। यहाँ पर 8 से 10 मिनट अब हो चुके हैं, तो अब मैं अपना मास्क निकाल दूंगी। आप अच्छे से फेस को धो लीजिए, बहुत हल्के हाथों से धोना अपने फेस को। अब मैं यूज करने जा रही हूँ शीट मास्क, ये है गुड वाइब्स का इल्यूमिनेटिंग शीट मास्क पर्ल, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे आपको बहुत अच्छा वाला ग्लो मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको भी लगा के दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 ऐसी बातें बताती हूँ शीट मास्क के बारे में। सबसे पहली बात तो जब भी आप शीट मास्क लगाते हैं तो इसको लंबे टाइम तक मत रखिए, लाइक आधा घंटा पौना घंटा ऐसे बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 15 to 20 minutes बस, उससे ज़्यादा देर इसको अपने फेस पे मत रखिए। दूसरी बात ये, जो इसके पैकेट में जो सीरम वगैरह बच जाता है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं, अपने पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, कि शीट मास्क को यूज़ करने के बाद में अपना फेस मत धोइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, शीट मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद में जब यूज़ करके हो जाता है तो तुरंत अपना फेस धो लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, शीट मास्क निकाल के आपको अपने हाथों से अच्छे से थोड़ा करके मसाज कर देना है। जितना भी इसमें सीरम होगा वो सारा कुछ आपका स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से, और बस अपनी स्किन को फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो सारा सीरम मेरे फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाली हूँ कि इसके बाद में आपको चाहिए तो आप अपने पसंद का कोई भी एक फेस सीरम अलग से अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एक ड्रॉप लेके, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरे लिए सफिशियंट है। ये है कुछ बेसिक से स्किन केयर से रिलेटेड स्टेप्स जो आज मैंने आपको करके दिखाए। आप इन स्टेप्स के थ्रू भी एक अच्छा सा स्किन का टेक्सचर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2, अब पार्ट 3 की बारी आएगी। अब जैसे कि स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, स्किन केयर भी हो गया, अब क्या बारी आ जाती है, बारी आती है हमारे कपड़ों की, हमारे मेकअप की, हमारी ज्वेलरी की। तो सभी की अलग अलग वीडियोस मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, तो ये सारे ही पार्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहीं पर बेल आइकन होगा प्लीज़ उसको भी हिट कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।